Hi guys, welcome again. I'm J.S. Yadav and today we'll start practicing the questions of spotting errors and sentence improvements. तो आज के सेक्शन में, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे अब. जैसा कि मैं कह रहा था, मैंने आपको बताया और आप मुझसे कह रहे थे कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि कुछ सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दें कॉन्सेप्ट के साथ. तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा. आज हम इस वीडियो में देखते हैं, समझते हैं और देखना शुरू करते हैं. तो गाइज, यू विल सी द क्वेश्चंस ऑन द लेफ्ट साइड एक्चुअली, फाइन. और मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ यहाँ चलूँगा. चलिए देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं. तो देखें, आप जरा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और एक एक कर मैंने एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ. पहले स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस है गाइस. और हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग राइट इन द बिगिनिंग, ये क्वेश्चंस हो सकता है आपको आसान लगे, हो सकता है बहुत मुश्किल लगे, व्हाटएवर. लेकिन ये क्वेश्चंस सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. किसी न किसी एग्जामिनेशन में, CDS, NDA, SSC, बैंक, PO, क्लर्क, एनी एग्जामिनेशन. तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि ये प्रैक्टिस के लिए मॉडल सेट्स हैं, नहीं. ये सारे क्वेश्चंस कभी न कभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. तो इससे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कभी भी आप गाइस मॉडल सेट्स मत लगाया करें. प्रीवियस ईयर सेट्स को आप लेकर के प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें एक्चुअल पता चलता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहता है, एग्जामिनेशन में अप्रोच क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो ऑलवेज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सेट्स, फाइन. चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपने देखा गाइस, देखेंगे आप लिखा हुआ है, आई कैन सी थ्रू हर सडन फ्रेंडलीनेस, शी वॉन्ट्स मी टू लुक ओवर हर डॉग वाइल शी इज अवे. मैंने एक इससे पहले एक वीडियो बना रखा है गाइस, जिसमें मैंने बता रखा है कि जिसमें टाइटल बना हुआ है ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, जिसमें मैंने स्पॉटिंग एरर्स के जो रूल्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपको पढ़ाए जाते हैं बुक्स में, सारी बातें, वो सारी चीज़ें अलग रखकर अगर वो तीन चार बातें नहीं आती जो मैंने वीडियो में समझाई हैं, वो बहुत ज़रूरी थी. अगर वो नहीं आती है तो फिर हम कर नहीं पाते क्वेश्चन को. ऐसे यहाँ पर है, याद रखना, मैं पहली बात मैंने आपको बताई थी कि स्पॉटिंग एरर्स हो या इंप्रूवमेंट हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, आपके पास आंसर सिर्फ एक ही चॉइस होती है. स्पॉटिंग एरर्स में एक ही पार्ट रॉन्ग होगा, हो सकता है एक पार्ट में एक से ज्यादा गलतियां हो, बट एक ही पार्ट होता है. और लेफ्ट टू राइट वॉक करते हैं, लेफ्ट टू राइट करेक्शन करना होता है. और कब लेफ्ट टू राइट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तीन बातें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं. उसके बाद हम इस चीज को करते हैं, समझते हैं. तो पहला क्वेश्चन गाइस, आपने देखा, आई कैन सी थ्रू हर सडन फ्रेंडलीनेस, शी वॉन्ट्स मी टू लुक ओवर हर डॉग. लुक ओवर जो गाइस हमने लिखा हुआ है, पहला जो आपने लिखा है लुक ओवर, ये गलत फ्रेजल वर्ब है, यहां पर ये यूज नहीं होगा. लुक ओवर ना होकर के यहां लिखा जाएगा लुक आफ्टर, देख रेख करना. लुक आफ्टर यहां एक करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगी, लुक ओवर इज रॉन्ग, फाइन. तो इस क्वेश्चन का पार्ट रॉन्ग हो गया कौन सा गाइस, सी रॉन्ग हो गया, राइट, सी पार्ट रॉन्ग है. चलिए दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द ड्राइवर ऑफ द कार इज साउंडिंग हॉर्न फॉर द लास्ट 10 मिनट्स, बट नोबडी टेल्स हिम टू स्टॉप. इस सेंटेंस में द ड्राइवर ऑफ द कार इज साउंडिंग हॉर्न फॉर द लास्ट 10 मिनट्स. जब भी हमारे पास सेंस ऑफ फॉर जैसे प्रपोजिशंस आ जाते हैं, हमारे पास सेंस ऑफ फॉर के साथ जब टाइम लिखा होता है, तो आपको पता है कि या तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस या परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. तो यहाँ पर इज साउंडिंग नहीं होगा, हैज बीन साउंडिंग हो जाएगा, यानी इसका पार्ट रॉन्ग हो जाएगा बी. और हम क्या करेक्शन करेंगे गाइज, हैज बीन साउंडिंग. डिड आई मेक इट क्लियर? सेकेंड का क्या हो गया, हैज बीन साउंडिंग बिकॉज फॉर द लास्ट 10 मिनट्स जो लिखा है इसकी वजह से. थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे वहां जो लिखा हुआ है, लिखा ही टेलीफोन फ्रॉम अ पब्लिक कॉल बॉक्स सो दैट द कॉल वुड नॉट बी ट्रेस टू हिज ओन एड्रेस. बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ ये मैं थोड़ा आप पर छोड़ूंगा. मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा होमवर्क करें, चीज़ को देखें और समझें. इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ. चौथा क्वेश्चन मैं आज आपको आगे बताने जा रहा हूं. नेक्स्ट लिखा, इट हैज बीन बेटर टू कीप मनी इन अ बैंक दैन टू कीप इट अंडर योर बेड इन अ सूटकेस. इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत परेशान करेंगे. बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद गाइज यू विल बी एबल टू स्पॉट द एरर्स, लेकिन फिर परेशानी आपको होने लग जाएगी कि हम नो एरर के क्वेश्चंस नहीं छोड़ पाएंगे. हमें कहीं ना कहीं एरर निकालने की आदत पड़ जाएगी, एरर निकाल देंगे. और ये चौथा हमारे पास है, इसका आंसर ई हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. फिफ्थ देखते हैं गाइज क्या लिखा हुआ है. If you go on letting your dog chase cars, देखेंगे क्या लिखा हुआ है. If you go on letting your dog chase cars, he will be killed by being run down one day. Run down का मतलब थक जाना होता है, exhaust होना होता है. लेकिन जब dog के मरने की बात हो रही है तो run down ना होकर क्या होगा, run over. कुचल देना run over होता है. पैसिव में जो बनाया गया sentence है तो इसका part wrong हो गया D. Phrasal verb run down नहीं, run over. Run over. Run, ran, run. Passive में run over आएगा, कुचल दिया जाना. फाइन, सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं गाइज. ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल एंड न्यू इट्स टाइम. वेरी सिंपल, ये रुक जाओ. मैंने कहा ना, अगर एक एरर आपको मिल जाता है यू आर श्योर, तो फिर और पढ़ने की जरूरत नहीं होती. आपने शुरुआत में कहा गाइज ही हर्ड, हर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, विच मीन्स पास्ट इनडेफिनेट. तो जब ये पास्ट इनडेफिनेट तो आगे की क्लॉजेस कैसी होंगी, पास्ट में होंगी. तो ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल एंड न्यू इट इज टाइम ना होकर इट वॉज टाइम होगा. क्या होगा,
इट वॉज टाइम. सो आंसर इज सी और हम इसे करेंगे इट वॉज टाइम. क्या करेंगे गाइज? इट वॉज टाइम. फाइन राइट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, इसे आप पढ़ें और करें सारे क्वेश्चंस. मैं इंटरेक्टिव होना चाहिए, आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करूं. जो आपसे नहीं होता तो फिर आप आंसर को देखेंगे. ठीक है, तो चलिए सेवंथ पढ़ें. लिखा हुआ देखें बोर्ड पर. इफ यू वुड हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली यू वुडन हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्गली. इफ यू वुड हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली यू वुड नॉट हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्गली. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये. आप सभी ने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा. एक टॉपिक होता है कंडीशनल सेंटेंसेस. कौन सा गाइस? कंडीशनल सेंटेंस. यस, कुछ याद आया? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. जी हाँ, ये थर्ड कंडीशन होती है पास्ट में, जो प्रोबेबल कंडीशंस होती हैं उसके लिए, जो संभव कंडीशंस होती हैं पास्ट की उसके लिए सेवंथ का. तो आई होप आपको पता चल गया होगा. तो सेवंथ का जो आंसर बनेगा, अभी ये कंडीशन नहीं बन पा रही है. हमारे पास इफ क्लॉज में सबॉर्डिनेट क्लॉज में हैड थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, और फिर प्रिंसिपल क्लॉज में हम वुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म लिखते हैं. ये पढ़ा होगा गाइस, ये वीडियो यूजफुल रहेंगे गाइज उनके लिए जिन्होंने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर ली है. क्योंकि अब मैं सीधे ये समय मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करा रहा हूँ. तो इसका आंसर ए हो जाएगा, और ए में लिखना पड़ेगा इफ यू हैड रेड थर्ड फॉर्म. ठीक है, इफ यू रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली यू वुड नॉट हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्गली. ठीक है, फाइन, चलते हैं अगले हम क्वेश्चंस को देखते हैं. गाइस देखिए बोर्ड पर, फिर हमारे पास फाइव क्वेश्चंस हैं. देखेंगे जरा, एक बार मैं आपको दो मिनट का टाइम देता हूँ, पांचों को पढ़ लें और देखें कि इनमें क्या एरर है, कौन सा पार्ट रॉन्ग है, और आगे चलते हैं. एग्जामिनेशन से पहले मैं टारगेट करूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा दूं, हर तरह के कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस मैं करा दूं. ठीक है, थोड़ा क्विक रहेगा ये. तो गाइस पढ़ा आपने पहला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए. यस, लिखा हुआ गाइस, ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर. अब आप सभी को पता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर होता है, बट आपने पढ़ा होगा, या मैं बता देता हूं आपको कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये जो पेयर्स होते हैं, जो भी पेयर्स हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, जो भी पेयर्स होते हैं, ये अपने बाद सेम टर्म्स लेते हैं. अगर इसके बाद सब्जेक्ट है तो उसके बाद भी सब्जेक्ट होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ कंजंक्शन है तो कंजंक्शन होगा, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई प्रपोजिशन है तो वहाँ भी प्रपोजिशन होगा. अब आप देखते हो कि ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्वड, देखा आपने ए पार्ट में लिखा गाइज ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्वड. तो नॉट ओनली किसके पहले आए? इन्वॉल्व, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में V3 है. इन हर किडनैपिंग, और बट ऑल्सो को अगर आप देखेंगे तो यू प्लेस इट बिफोर अ प्रपोजिशन, बट ऑल्सो इन हर मर्डर. तो गाइज इन के पहले बट ऑल्सो लिखा हुआ है, नॉट ओनली इन्वॉल्व के पहले लिखा है. अब हमारे पास आगे जाकर सी पार्ट में तो थर्ड फॉर्म नहीं है, जिसमें मैं बट ऑल्सो को उसके पहले लिख दूं और सेंटेंस करेक्ट हो पाए. तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास प्रपोजिशंस इन एक बार पहले भी है और बाद में भी है, तो इसका पार्ट जो हम रॉन्ग ले लेंगे ए, और करना क्या पड़ेगा, ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली, यानी इन्वॉल्व यहां लिख देंगे. ठीक है ना, ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन, ऐसा करके नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर. डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे जरा क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे. आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल. बड़ा सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है. नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और आप सभी को पता होगा इसमें जो वर्ब डिसाइड करता है वो सब्जेक्ट होता है जो वर्ब के पास होता है. रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यहाँ लगता है, निकटता का नियम लगता है. तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब है सबॉर्डिनेट क्लॉज में वो इज है, और इज के पास का जो सब्जेक्ट है वो इट्स कंटेंट्स है. समझ आए आपको? आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस, ये तो सिंगुलर है, नॉर इट्स कंटेंट्स. इट्स कंटेंट्स क्या है? प्लुरल है. तो इट्स कंटेंट्स की वजह से क्या करना पड़ेगा हमें गाइज यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले का आंसर ए हो गया और दूसरे का आंसर होगा सी. सी होगा, और इज को हटाकर इज रॉन्ग है, यहाँ आर करना पड़ेगा. डिड आई मेक इट क्लियर? इज को आर करना पड़ेगा. राइट, थर्ड देखते हैं गाइस. नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड. मैं तो यहीं रुक जाऊंगा क्वेश्चन को पढ़ते ही, बिकॉज हमें पता है, मुझे पता है, एंड आई टॉट यू पीपल ओनली वन पार्ट मे हैव एरर, टू पार्ट्स कैन बी रॉन्ग. तो गाइस इस क्वेश्चन में नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड रॉन्ग है, आप यहां आंसर ए ले लेंगे, और डिड की वजह से अराइव्ड नहीं होगा. आपको पता होगा V1 लिखा जाता है. डू डज डिड, डू डज डिड, डू की कोई भी फॉर्म, डू डज
डेड और जितने भी मॉडल्स हैं, जितनी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, डू डज डेड और कैन कुड विल वुड शैल शुड, सभी के साथ वी राइट बेस फॉर्म वी वन. तो डिड अराइव लिखा जाएगा. डिड आई मेक इट क्लियर? राइट. चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं. क्या लिखा हुआ है? लिखा है वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन. वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट. चलिए फोर्थ को रोककर मैं अभी बताता हूं आपको, जरा फिफ्थ को एक बार देखेंगे. फिफ्थ ज़्यादा आसान है, फिर मैं फोर्थ पर आकर उसे एक्सप्लेन करता हूं. गाइस फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ेंगे वहां से. क्या लिखा हुआ है? आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन. अब आपको पता है, पढ़ाया गया होगा, बोथ का पेयर होता है एंड, आइदर और नाइदर नॉर होता है, बट बोथ के साथ एंड होता है. तो बड़ा सिंपल हो गया, यानी फिफ्थ का आंसर हो गया सी पार्ट. हम क्या करेंगे? आई विल हैव बोथ द ब्लू एंड द ब्लैक पेन. द ब्लू एंड द ब्लैक पेन. इज इट क्लियर? हम बात दो की करते हैं, बोथ का मतलब दो होते हैं, और लिखने से वो चीज़ें दो नहीं रहेंगी, फिर तो उनमें से एक की बात होगी. बोथ का मतलब दो, और दो कैसे होंगे? एक और एक, तब दो होंगे. और लिखने से वो ऑप्शन बनेगा या तो ये या तो वो, तो फिर बोथ नहीं आ सकता है. यहाँ पर बोथ भी हम हटा सकते थे, लेकिन बोथ भी हम हटा सकते थे. यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट चलना होता है. हम चाहते तो बोथ को ड्रॉप कर दें, क्या हो जाएगा? आई विल हैव द ब्लू और द ब्लैक पेन. सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, बट रिमेंबर लेफ्ट टू राइट चलना होगा. मैंने यही आपको समझाया था. हम यहाँ बी को भी करेक्ट कर सकते हैं और सी को भी करेक्ट कर सकते हैं. तो लेफ्ट टू राइट मैंने आपको बताया, आंसर हो जाएगा सी. और को ड्रॉप करके क्या लिखना होगा? एंड लिखना होगा. डिड आई मेक इट क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आपका बाकी है उसे भी हम देख लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ये डैंगलिंग पार्टिसिपल का क्वेश्चन है. डैंगलिंग पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट वर्ब जब मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा तो वहां नॉन फाइनाइट वर्ब में डैंगलिंग पार्टिसिपल जो कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करूंगा. यहां फिलहाल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं. फोर्थ को ये देखें. अगर मैंने कहा सीइंग अ लायन शी जंप्ड, सीइंग अ लायन शी जंप्ड, इस केस में शी ने ही जंप किया और शी ने ही लायन को सी किया. ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. मतलब ये द सेम डूअर इज परफॉर्मिंग बोथ द एक्शंस. यही सब्जेक्ट जो है दोनों ही काम को कर रहा है. इसमें दोनों ही वर्ब्स का जो एक्शन डूअर है वो कॉमन है. ये सेंटेंस इसलिए ठीक है. लेकिन जरा ये देखो, अगर मैंने कहा वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट हिम, ये लिखा हुआ है. वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट हिम, तो गाइस जरा समझना, कार कैन हिट, दैट्स ओके, कार हिट कर सकती है, बट क्या कार वॉक कर सकती है? अब इस एक्शन का डूअर कार नहीं है. इस सेंटेंस को अगर पार्ट में यू डिवाइड किया जाए, मैं कहूं ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, सी और डी पार्ट, तो गाइस पार्ट रॉन्ग कौन सा होगा? ए. समझने वाली बात है. वॉक इसका मतलब होगा सड़क पर टहल रही कार ने उसे हिट किया. भाई कार ने उसे हिट किया ओके, लेकिन टहल कार थोड़ी रही थी, टहल वो व्यक्ति रहा होगा. तो फिर आप इसे क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे व्हाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट हिम, ऐसे बन जाएगा. तो सिचुएशन में ये वर्ब डैंगलिंग वर्ब थी. डैंगलिंग वो वर्ब होती है जिसे अपना सब्जेक्ट नहीं मिला होता है, और ये तो गलत है. मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक का जो बेसिक फंडा आपको बताया था, कॉन्सेप्ट बताया कि हर सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए और हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ वॉकिंग जो हमारी वर्ब थी वो डैंगलिंग हो गई, इसे सब्जेक्ट नहीं मिला था, और ये मैंने अब इसे सब्जेक्ट दे दिया, व्हाइल ही वॉज वॉकिंग. तो ऐसा ही बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमने पढ़ा है, वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन. गली को पार करते हुए एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी. ट्रक उसे टक्कर तो मार सकता है, लेकिन गली को पार नहीं कर सकता है, स्ट्रीट को पार नहीं करेगा. तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा गाइस, फोर्थ का आंसर हो जाएगा फिर से ए, और आप यहां लिखेंगे वाइल ही वॉज, बिल्कुल इसी तरह जैसा मैंने आपको बताया. क्योंकि यहां जो वॉकिंग अक्रॉस है उसका सब्जेक्ट ट्रक नहीं है, नॉक्ड का तो है लेकिन वॉकिंग का ट्रक नहीं है, उसका सब्जेक्ट ही हो जाएगा वाइल ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस एंड सो ऑन. बाकी पूरा वही रहेगा, वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, सॉरी, वाइल ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन. डिड आई मेक इट क्लियर गाइस? राइट. तो गाइस चलिए आज इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे, और बहुत जल्दी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं इंक्रीज करूंगा अगले वीडियोस में. इट इंटायरली डिपेंड्स हाउ यू गाइस टेक दीज वीडियोस, हाउ मच इंटरेस्ट यू शो टुवर्ड्स दीज वीडियोस, प्रैक्टिस को लेकर.
अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के चाहते हैं तो मैं लॉन्ग ड्यूरेशन के बढ़ाने शुरू करूंगा, एक वीडियो में 50, 100, 200 क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करूंगा, और शॉर्टर है फॉर योर कन्वीनियंस, तो दैट्स ओके, इफ यू आर ओके विद दिस शॉर्टर ड्यूरेशन आई विल डू इट फाइन. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइज अगेन सून विद अनदर डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन एज वेल. अगली जो वीडियोज आएंगे उनमें लेवल को मैं इंक्रीज करता हूँ, आगे चलूंगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन होंगे ताकि हमें एक्चुअली पता चलेगा क्या आता है. सो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, माई नेम इज जेएस यादव, थैंक यू सो मच.